श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी म्यूजिक सीरीज में स्वागत है। मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, जो कथा है भगवान श्री कृष्ण की और उनके भक्त की। बड़ी प्यारी कथा है, मुझे कहीं पढ़ने सुनने को मिली तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय था, और जब कृष्ण माखन चुराते तो गोपियाँ माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करती थी, और गोपियाँ जब शिकायत करती तो माँ यशोदा कृष्ण को डांटती, फटकारती और कहती कि देख, अपने घर में 9 लाख गुव्वे हैं और तू माखन चुराता फिरता है। तो ऐसी ही घटना है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया और जब माँ को पता चला तो माँ ने एक डंडी ली है और कहा कि आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे मैं पिटाई लगाऊंगी। और वो डंडी लेके माँ बाल कृष्ण को पीटने चली है। अब मैया यशोदा मोटी हैं, मोटी तगड़ी हैं, और कृष्ण जी पतले से हैं, भागे जा रहे हैं। भागते 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 एक कुम्हार के पास पहुँचे हैं और उस कुम्हार से जाके कहते हैं कि भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब उस कुम्हार ने देखा कि कौन आ गया, क्योंकि वो तो मटका बनाने में व्यस्त था। अब देखा कि अरे बालकृष्ण आए हैं। वो जानता था ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अब उस बालक को कहा कि मैं तुझे बचाऊं, क्या हुआ बता। तो उसने कहा देख, मैंने माखन चुराया है और मेरी मैया यशोदा मुझे मार लगाने आ रही है, तुम मुझको छिपाए ले। तो मुझे छिपा। अब जब कुमार ने सुना तो कहा ठीक है प्रभु, मैं आपको छिपाऊंगा। एक बड़ा सा मटका रखा था, उस मटके के नीचे बालकृष्ण को बिठा दिया और ऊपर से मटका ढक दिया। कहते हैं कि जब तक मैया नहीं आती तो यहाँ छिपा रहे। बोला ठीक है, बालकृष्ण को छिपा दिया। अब थोड़ी देर में माँ यशोदा आई है। माँ यशोदा उस कुमार से पूछती है, अरे कुमार तूने मेरे लाला को देखा, मेरा लाला यहीं आया था। तब उसने कहा मैया मैंने तो तुम्हारे लाला को नहीं देखा है। तो मैया कहती है अरे पता नहीं, माखन चुरा के गया था, मिलेगा तो पिटाई लगाऊंगी, पता नहीं कहाँ है। ऐसा कहकर मैया यशोदा वहाँ से चली गई। अब देखो नीचे से बाल कृष्ण प्रभु उस कुमार को आवाज़ लगाते हैं कि अरे भैया मेरी मैया चली गई तो मुझको बाहर निकाल दे। अब कुमार ने सोचा सही मौका है, आज भगवान फंसे हैं। तो कहा देख कन्हैया, मैं जानता हूँ तू साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, मैं तेरे को बाहर भी निकालूंगा, लेकिन एक काम कर, तू पहले मुझको वचन दे कि तू मुझे 84 लाख योनियों से पार उतारेगा। अब बालकृष्ण तो मटके के नीचे थे, बोले ठीक है मैं तो को निकालूंगा, तेरे को 84 लाख योनियों से छुटकारा देता हूँ। बोले ठीक है। फिर वो कुमार कहता है कि कन्हैया एक छोटा सा काम और कर दें। कन्हैया पूछते हैं कि भाई अब क्या रह गया, मैंने तेरे को मुक्ति दी 84 लाख योनियों से। वो कुमार कहता है कि देख तूने मेरे को मुक्ति दी, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तू मेरे घर वालों को भी मुक्ति दे, मेरे परिवार वालों को भी मुक्ति दे, 84 लाख के चक्कर से उनको बाहर निकाल कन्हैया। तब कन्हैया कहते हैं कि ठीक है भाई, उठा ले मजबूरी का फ़ायदा, जा मैंने तेरे घर वालों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त किया है। ऐसा जब कृष्ण जी ने कहा तो कुमार बड़ा खुश हुआ कि वाह प्रभु आपने तो बड़ी कृपा की। उसके बाद कुमार कहता है कि एक रिक्वेस्ट और है, एक प्रार्थना और है प्रभु। कन्हैया बोले अब क्या रह गया, तेरे को मुक्ति दी, तेरे परिवार वालों को मुक्ति दी,
वो कहता है कि देख, एक छोटी सी बात रह गई कि जिस मिट्टी का घड़ा बना है और जिसके नीचे आप बैठे हो, इस मिट्टी को बैलगाड़ी में लाद के जिसकी कमर पे लाया हूँ, वो दो बैल हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े मेहनती बैल हैं कन्हैया, तो उन दो बैलों को भी 84 लाख योनि से मुक्त करना। कन्हैया बोले, भाई ठीक है, फंसा हुआ हूँ, फायदा उठा रहे हो, जा, मैंने उन दो बैलों को भी मुक्त किया, अब तो मुझको बाहर निकाल, अब तो मुझे बाहर निकाल दे। कुमार ने कहा कि ठीक है प्रभु, बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मटका उठाने लगे तो याद आ गया, बोले प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना और है। कन्हैया बोले, अब क्या रह गया भाई? तो कहा कि प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके और मेरे इस संवाद को सुनेगा, आप उसे भी मुक्ति दोगे। ये भी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ प्रभु, वो भी 84 लाख योनियों में ना पड़े, वो भी भव सागर से पार उतर जाए, कुछ ऐसा करो। तब कन्हैया मुस्कुराए और कहा कि कुमार, तू बड़ा चतुर है, तू सबके लिए सोचता है, जा भैया, जो भी तेरे और मेरे इस संवाद को पढ़ेगा, वो 84 लाख योनि में नहीं पड़ेगा, वो मेरे धाम को आएगा। जब ये बात सुनी तो कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत ही उस घड़े को बाल कृष्ण के ऊपर से हटा दिया है और खूब कृष्ण जी को देख के उनका रूप माधुर्य का पान किया है। उसके बाद उसने कन्हैया को बिठाया है और जल से कन्हैया के चरण धोए हैं और फिर चरणामृत का पान किया है। तो देखिए, सच बात है, बिन भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर बाल कृष्ण को रिझाना है तो केवल और केवल एक जरिया है, वो है प्रेम, वो है भाव। भगवान अगर भक्त के वश में हो सकते हैं तो केवल भाव से। जिसके अंदर भाव होगा, भगवान उसके हो जाएंगे, अपने आप बंधे आएंगे। तो ये कथा मैंने कहीं पर पढ़ी और मैं आपके लिए लाया। आगे भी ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट श्री राधे करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जो भी आगे वीडियो आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय जय श्री राधे।